हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सुपर हीरो शोडाउन, सुपर हीरो बैटल, वो भी नहीं दो सुपर हीरोज की नहीं बल्कि तीन सुपर हीरोज में, वो है थॉर, स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल। सो ये वीडियो एक रिक्वेस्ट पे थी हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है हिमांशु, तो उन्हें एक बड़ा शाउट आउट। सो यहाँ पे एक तरफ है कैप्टन मार्वल प्रोटोन ब्लास्ट के साथ, तो दूसरी तरफ है स्कारलेट विच, हमारे म्यूटेंट स्कारलेट विच, और तीसरी तरफ है हमारे गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर। तो शुरू करते हैं सुपर हीरो शोडाउन को, और मैं बता दे यार, कोई भी ऐसा मत समझना कि उनके सुपर हीरो को पावरफुल नहीं बताया गया, ये सिर्फ बायस्ड ओपिनियंस के साथ बनाया गया। तो कमेंट में जाके मत बोलना कि ये मेरा फेवरेट है। एज अ मार्वल फैन देखो, ना कि सुपर हीरो फैन। ओके, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, अभी हमारे सुपर शोडाउन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कारलेट विच की। सो हमने स्कारलेट विच को पहली बार देखा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में। सो स्कारलेट विच एक म्यूटेंट है, सो उसे अपने फर्स्ट मूवी में हर एक एवेंजर की हालत पतली कर दी थी। आपको पता है एज ऑफ अल्ट्रॉन में हॉकाई को छोड़ के वहाँ पे अफ्रीका में सबकी हालत पतली कर दी। कैप्टन हो गया, आयरन मैन को भी स्टार्टिंग में उसने अपना विजन दिखाया था, थॉर हो गया, हल्क हो गया, ब्लैक विडो हो गई, एक्सेप्ट हॉकाई। सो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में उसने बहुत अच्छी पावर्स दिखाई, लेकिन उसकी असली पावर्स हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो 5 इन्फिनिटी स्टोन्स भरे थानोस को एक हाथ से रोकती है। और एंड गेम में तो थानोस ने के वांडे ही लगा दिए थे, वांडा ने आप सबको पता उठा के नियरली उसकी स्वॉर्ड को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक तोड़ दी गई थी। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है वांडा, और कॉमिक्स में तो इसके पावर्स का यूज लेवल तक पावर्स इसका एक्सेप्टेंस है। तो अगर हम कुछ इसकी मेन पावर्स की बात करें तो वो रियलिटी को रैप कर सकती है, नए रियलिटीज़ बना सकती है, टेलीकाइनेसिस स्किल्स और बहुत सारे स्किल्स है। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सुपर हीरो है वो है थॉर, बिजली का देवता यानी कि हमारा गॉड ऑफ थंडर। सो ओडिन की दूसरी संतान है थॉर। ओके, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसके वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के आने से तो उसकी पावर की एक्सटेंट एकदम ह्यूज लेवल तक चली गई है। सो थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा थानोस कितनी मार खाते हुए, इन्फिनिटी स्टोन से मार खाते हुए, सब बहुत मार खाया था इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो गया। और उसकी ड्यूरेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाती है जब वो स्टॉर्म ब्रेकर बनाता है, एक स्टार की हीट को भी वो सह लेता है और फिर भी वो पूरा हील कर जाता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर के वेपन के आने बाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि थॉर रैग्नारोक आने से पहले लोग समझते थे कि थॉर हैमर के वजह से ही है, अगर हैमर नहीं है तो थॉर बिल्कुल अनवर्दी हो जाएगा, एकदम पावरलेस हो जाएगा। लेकिन थॉर रैग्नारोक ने पूरा सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तो थॉर रैग्नारोक में हमने देखा थॉर का स्टार्टिंग में ही हैमर टूट जाता है, लेकिन वो हैमर के बिना भी जितना पावरफुल है जितना म्योनिर के साथ था, और उसने रैग्नारोक में बता दिया कि वो वेपन के अलावा भी बहुत कुछ है। और एंडिंग में तो उसने जो कमाल किया था अपने हेला के सामने वो तो लाजवाब था अभी। और उसका इन्फिनिटी वॉर का एंट्री सीन कौन भूल सकता है, वो बेस्ट सुपर हीरो एंट्री सीन है मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, लेकिन बेस्ट सुपर हीरो एंट्री अब तक की थॉर की है। तो इन्फिनिटी वॉर में तो उसने कमाल ही कर दिया था, स्टॉर्म ब्रेकर से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और इन्फिनिटी गाउंटलेट की एनर्जी को ब्रेक करके थानोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को घुसा दिया था। हालांकि वहाँ पे थानोस रेडी नहीं था, उस पर सरप्राइज अटैक होने के वजह से वो इतना ये कर नहीं पाया, लेकिन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाली एनर्जी को भी कम नहीं समझा, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर के आने से थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट सुपर हीरो है वो है प्रोटोन ब्लास्ट स्पेशलिस्ट कैप्टन मार्वल। सो वो एक सुपर पायलट थी जो एक क्रैश में अपनी पूरी याददाश्त को भूल जाती है, लेकिन बाद में कैप्टन मार्वल की याददाश्त वापस आ जाती है। और कैप्टन मार्वल ने अपने भूमि में बहुत अच्छे अच्छे फाइट सीन्स किए, और केविन फाइगी ने तो उसे बेस्ट मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो भी बता दिया, लेकिन ये बात थोड़ी हद तक सही है, थोड़ी हद तक गलत है। कैप्टन मार्वल को आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ऑफ एमसीयू बोल सकते हैं, मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ऑफ एमसीयू नहीं बोल सकते। सो कैप्टन मार्वल के पास पावर्स है, एक्सपीरियंस है, नियरली उसके पास 30 साल के एक्सपीरियंस है स्पेस में, पावर्स भी है, सब कुछ है। उसने थानोस की शिप को 1 मिनट में तोड़ दिया था,
लिटरली एक मिनट में। और थानोस और कैप्टन मार्वल की जब भी एंडिंग में फाइट होती है तभी थानोस अपने हेड से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसको कुछ ही होता है। हालांकि वहाँ पे थानोस बहुत थक गया था इसलिए उसे कुछ इतना महसूस नहीं हुआ और इतना रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसने इन्फिनिटी स्टोन से जब मारा तभी कैप्टन मार्वल बहुत दूर चली गई। सो यस, कैप्टन मार्वल भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ नहीं। सो ये सब हो गया इनकी थोड़ी बात, अभी हम रियल मैच स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने बात किया कि हर एक सुपर हीरो के थोड़ी सी पावर्स की एबिलिटीज़ कितना ड्यूरेबल है, कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ है, वो सब बात किया। लेकिन अभी जब असली मैच होगी इन तीनों में, वो है सिंपल कैप्टन मार्वल, नॉर्मल कैप्टन मार्वल, नॉर्मल स्कारलेट विच और हमारा थॉर म्योनियर के साथ, तो वहाँ पे विनर होगा, डेफिनेटली विनर कर होगी स्कारलेट विच, क्योंकि देखो यार उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हर एक एवेंजर्स को वो माइंड ही मैनिपुलेट कर देगी, वो सब लोग इन ऐसे स्टेट में चले जाएंगे उनको जहाँ कुछ पता नहीं रहेगा। ऐसे अगर ऐसा मैच हुआ तो डेफिनेटली स्कारलेट विच जीतेगी, लेकिन हमारे स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हुआ तो वहाँ पे खेल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर को तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं कुछ कर पाए, तो स्कारलेट विच क्या कर सकती है। और ऑन ग्राउंड मैच हुआ ना तो डेफिनेटली थॉर ही जीतने वाले, लेकिन इसमें अगर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर तो पूरा गेम ही पलट जाता है। लेकिन अगर स्कारलेट विच पहले ही दोनों के माइंड को कंट्रोल कर दे जैसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया था तो वांडा जीत जाएगी, लेकिन अगर ग्राउंड में फाइट हो तो डेफिनेटली थॉर ही जीतेगा। थॉर और उसका स्टॉर्म ब्रेकर सबसे बेस्ट कोलैबोरेशन है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो थॉर वर्सेस स्कारलेट विच वर्सेस वांडा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कौन, अगर नॉर्मल सिचुएशंस हुई तो स्कारलेट विच अपने माइंड को मैनिपुलेट करके जीत जाएगी, अगर ऑन ग्राउंड हुआ तो थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर होगा बेस्ट कोलैबोरेशन, डेफिनेटली थॉर जीतेगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी सजेशंस देते रहना कमेंट बॉक्स में और बताना कैसा लगा वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।